पार्ट हैं उसके, 22 पार्ट्स हैं। जो सिटीजनशिप है ये पार्ट टू में आती है। आर्टिकल 5-11 है वो सिटीजनशिप की बात करता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को तीन और हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को बोलते हैं यूनियन लिस्ट, एक को बोलते हैं स्टेट लिस्ट, एक को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो होती है जिसमें सिर्फ केंद्र की सरकार कानून बना सकती है, राज्यों का कोई रोल नहीं होता। जो सिटीजनशिप होती है वो सिर्फ केंद्र के अधीन आती है, राज्यों का कोई रोल नहीं होता। तो कपिल सिब्बल ने ये बात कही थी, राज्यों का इसमें कोई रोल ही नहीं है, पूरी जिम्मेदारी यहाँ की, जो भी मसला चल रहा है पूरी जिम्मेदारी पहले से लेकर आखिर तक केंद्र की है। वो एक दूसरे पर टाल रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, पहली बात ये। और कोई सवाल है तो पूछो। सर, माना यह जाता है कि 56 इंच वाली मजबूत इरादे वाली सरकार है, और उनका कहना यह भी है कि हम 1 इंच पीछे लेटेंगे। क्या आपको लगता है कि देखो इसमें क्या है, देखो वो क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, ऐसे ऐसे हाथ इशारा करके क्रोनोलॉजी समझा रहे थे। 3 बार पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा था, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, और कम से कम 7 बार इंडिया के जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं उन्होंने पॉलिटिकल स्पीचेस में इंडिया में बोला था। अब वो NRC भूल गए, NRC की वो बात नहीं कर रहे हैं, NRC पे पीछे आ गए। अब वो बात कर रहे हैं सिर्फ CAA की। वो लोगों से पूछ रहे हैं कि जो CAA है ये तो सिटीजनशिप देने का है, कानून है, लेने का नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? इसका मैं जवाब उनको देना चाहता हूँ। देखो, जो सिटीजनशिप देते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में तरीका बताया गया है, 5 तरीके से हम सिटीजनशिप देते हैं। उसका क्राइटेरिया क्या है? पहला क्राइटेरिया है बर्थ, दूसरा है डिसेंट, तीसरा है रजिस्ट्रेशन, चौथा है नेचुरलाइजेशन, और 5वां है इनकॉर्पोरेशन ऑफ ए टेरिटरी। मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सबको समझाऊँ। ये 5 तरीके हैं सिटीजनशिप देने का। रिलीजन का कोई क्राइटेरिया नहीं है, मजहब का कोई क्राइटेरिया नहीं है, और कास्ट का कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आप अपर कास्ट के हैं तो आप आ जाइए, आप लोअर कास्ट के हैं तो निकलिए, आपकी ज़रूरत नहीं है। आप हिंदू हैं आइए, क्रिश्चियन हैं आइए, सिख हैं तो आइए, आप मुसलमान हैं तो आप निकलिए चलिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया अब तक नहीं रहा। इसी की मुखालिफत कर रहे हैं। अब इन्होंने इस झूठ को इंडिया के सामने, इस झूठ को प्रचार करने के लिए क्या बोला, एक फ्रेज का इस्तेमाल किया, पर्सिक्यूशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, यानी पाकिस्तान में जो हिंदू हैं सिख हैं जो कम है तादाद में उनको मारा पीटा जा रहा है, और वहाँ पे इसीलिए हम उनको बचा रहे हैं। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, बिल में इसकी बात हुई थी, लेकिन जब ये एक्ट बना और एक्ट बनने के बाद गैजेट ऑफ इंडिया में, मतलब एक गैजेट होता है जिसमें कोई भी कानून बनने के बाद उसमें लिखा जाता है, उसमें ये जो फ्रेज है पर्सिक्यूशन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, इसका कहीं नाम ही नहीं। एक और सबसे बड़ा झूठ, ये सरकार सिर्फ झूठ पे चलती है, इल्यूजन पे चलती है, ब्लफ पे चलती है, पूरा झूठ इंडिया के सामने खुल चुका है। ये जो लड़ाई सड़कों पे लड़ी गई है, बुरी तरह से हार गए हैं, ये हार गए हैं बुरी तरह से, वरना NRC पे ये पीछे नहीं आते। परसेप्शन की लड़ाई, जो न्यूज़ स्टूडियो के पैसा खिला खिला के न्यूज़ वालों को भेजते हैं और वहाँ न्यूज़ प्लांट करते हैं, वो भी लड़ाई ये हार गए, ये सरकार बुरी तरह से हार गई है। अब ये फेस सेविंग देख रही है कि कैसे हम बचे। ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आर्टिकल 14 क्या है? राइट टू इक्वालिटी, सबको बराबरी का हक है। ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये कानून किसी के समझ में नहीं आ रहा है, सबके समझ के बाहर है। 2 लोग को समझ में आ रहा है, एक हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डबल PhD हैं, और एक हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, उनके बारे में मेरे से मत पूछो यार, वो बहुत पढ़े लिखे आदमी। जो NRC और CAA है, इसको मिक्स किया जा रहा है तब जाकर के गड़बड़ी हो रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखो, NRC प्लस CAA में तो प्रॉब्लम ही है, और सिर्फ CAA में भी प्रॉब्लम है। अभी बताया मैंने कि वो आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, और सिटीजनशिप हम रिलीजन के बेस पे नहीं देते हैं, वो रिलीजन वो धर्मों को एक तरफ करता है, तफरका करता है, बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, और NRC प्लस CAA में तो प्रॉब्लम ही है। और NRC प्लस CAA मैं नहीं कह रहा हूँ, होम मिनिस्टर साहब ने बोला है, 3 बार बोला है पार्लियामेंट के अंदर, और 7 बार बोला है इंडिया के और हिस्सों में पॉलिटिकल स्पीचेस में। तो उन्हें वो ऐसे ऐसे करके क्रोनोलॉजी समझा रहे थे, अब हम लोग को समझ में आ गई है क्रोनोलॉजी, तो अब उनकी हालत ख़राब हो रही है। वो समझे कि देश ऐसे नहीं चलेगा, पूरी दुनिया यहाँ से रिपोर्ट करी है, BBC आया था, यहाँ CNN आया था, यहाँ न्यूयॉर्क टाइम्स आया था, वॉशिंगटन पोस्ट आया था, अल जज़ीरा, सब यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। और जो इंडियन 1 करोड़ 60 लाख के आसपास हिंदुस्तानी है जो बाहर विदेशों में रहते हैं, वो फ़ोन करके हम लोग से कह रहे हैं कि ये सरकार क्या कर रही है। वहाँ हम लोग मुँह नहीं दिखा पा रहे, जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं, US हो गया, UK हो गया, यूरोपियन कंट्रीज, वो पूछ रही है कि तुम लोग की सरकार क्या कर रही है। अब देखो यार, अब देखो इनकी पूरी राजनीति जो है ना, वो सिर्फ झूठ पे है, सिर्फ झूठ पे। ये फिल्म चल रही है, जो TV वाली फिल्म होती है वो 3 घंटे की होती है, जब आखिर में पर्दा उठता है तो गुंडा पता लग जाता है गुंडा कौन है। ये फिल्म थोड़ी लंबी है, जब पर्दा उठेगा तो पता लग जाएगा विलन कौन है, देश को किसने डुबाया है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो 45 साल के सबसे उछले दर्जे पे है, समझ रहे हो, फिजिकल डिफिसिट का लेवल क्रॉस कर गया है, टैक्स आ नहीं रहा है, और हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है वो कह रही है कि गाड़ियों की बिक्री, कोई गाड़ी खरीद नहीं रहा है, वो कह रही है कि लोग ओला उबर चला रहे हैं इसलिए कोई गाड़ी नहीं खरीद रहा। अरे ओला उबर भी तो गाड़ी है, वो भी तो गाड़ी है,
ओला उबर आया है तो गाड़ियों की बिक्री तो और बढ़नी चाहिए। तो इन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि देश कैसे चलाना है, ये लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे इन लोगों को यस पूछो, अब मुझे नहीं, किसने कहा था अब देखो दिल्ली का इलेक्शन होगा और दिल्ली में ये बुरी तरह हारेंगे, उसके बाद ये सब अपने घर पे रोएंगे, ठीक है। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, एक पत्थर भी किसी को नहीं मारा गया। देखो शीशे की दुकानें हैं पूरी, तुमने सुना है 45 दिन में ऐसा कोई नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट 24/7 50 दिन 15 दिसंबर को शुरू हुआ था। मैं ऐसे दर्जनों वाक्य गिनवा सकता हूँ जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल हाईवे ब्लॉक किया है कई कई महीने। 2007 का वाक्य याद होगा, कश्मीर में अमरनाथ श्राइन बोर्ड का वाक्य जो था, डेढ़ महीने तक कश्मीर को कट कर दिया था, नेशनल हाईवे ब्लॉक किया था। हम लोगों ने दिल्ली की एक सड़क ब्लॉक की है जिसमें जो एक घंटे का रास्ता है वो दो घंटे का हो गया है, सिर्फ इतनी दिक्कत। पहले दिन से हमारा ये डिमांड था कि एक होम मिनिस्ट्री की टीम यहाँ पे आ जाए, गवर्नमेंट की, हमारा सरकार किसी पार्टी से लेना देना नहीं है क्योंकि पार्टी इसमें कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक होम मिनिस्ट्री की टीम आ जाए, यहाँ एक कमेटी बन जाएगी, बैक चैनल टॉक शुरू हो जाएगा, लेकिन वो बात करने को तैयार नहीं है। क्या हम इंडियन नहीं है, हम हिंदुस्तानी नहीं है? तुम बताओ, सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि हमसे बात करें, हमारी प्रॉब्लम को समझें? वो हमारी प्रॉब्लम, हमारा मजाक उड़ा रही। गडकरी जी कह रहे हैं कि हम बात करने हो तैयार हैं। अब आगे बैकफुट पे, वो आए बैकफुट पे और सरकार ये समझ ले कि पुलिस के बदले, पुलिस के सहारे या किसी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के सहारे आप नहीं दबा सकते। अगर किसी को दबा सकते तो आजादी नहीं मिलती। पुलिस के सहारे लोग डर जाते हैं, आजादी की लड़ाई में लोग हिस्सा नहीं लेते, लेकिन लोग लड़े नॉन वायलेंट तरीके से, आजादी मिली और हमें भी जीत मिलेगी।